नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NMG न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेबी को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ थी, क्योंकि इस बार दोस्तों सभी संगठन एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को अंजाम देने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि महेंद्र पाल सिंह जी ने एक मैसेज जारी किया था कि हम सेबी को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ में AISO भी शामिल होंगे और हमारे साथ में जनलोक प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। तो इस बार दोस्तों जो मेमोरेंडम दिया गया है वो चार संगठनों की तरफ से दिया गया है, और उन सब का नाम भी हम बताएंगे आपको और क्या उस मैटर में लिखा गया है पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो में पढ़कर बताने वाले हैं। तो आज का इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों अभी से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप फिर वीडियो की भावना में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, हमारी मेहनत का फल इस लाइक के बटन पर ही होता है। आप लाइक कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आ रही है, और शेयर कर देंगे तो सभी निवेशकों तक ये खबर पहुँच जाएगी कि हाँ, सेबी को मेमोरेंडम दिया गया है और इस तरह का मैटर दिया गया है, ताकि उनको भी थोड़ी तसल्ली हो जाए, शांति मिले। तो आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप चाहते हैं कि PSL की खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें, तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपको हर एक PSL की खबर मिलती रहे समय समय पर। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद इस वार्निंग मेमोरेंडम को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी देर बाद में इसको पब्लिश करने वाला हूं, तो आप गूगल में जाएंगे और NMGnews.in सर्च करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, और वेबसाइट पर जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। और दोस्तों, अच्छा लगे तो वहाँ पर भी शेयर का बटन है, आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ चाहे आप इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये खबर सभी तक पहुंचे, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या है इस मेमोरेंडम में। तो दोस्तों, ये है आपके सामने वार्निंग मेमोरेंडम इन द मैटर ऑफ PSL लिमिटेड। आप इसमें डेट भी देख सकते हैं, 24 फरवरी 2020, जो कि आज की डेट में है, और ये दिए गए हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी इंदौर के ऑफिस में। तो आइए दोस्तों, इसको हम पूरा पढ़कर बता देते हैं आपके लिए, ये गुड न्यूज है। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात है कि 21 अगस्त 2014 को PSL लिमिटेड कंपनी को बैन किया गया था और आदेश दिया था कि ग्राहकों को 90 दिन के अंदर पैसा वापस किया जाए, लेकिन आपने 2 फरवरी 2016 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निर्धारित समय 6 महीने की अवधि में पैसा वापसी को लेकर कोई कार्य नहीं किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्रीमान RM लोडा जी की अध्यक्षता वाली कमेटी सिर्फ रिपोर्ट बनाती रही है। आपने PSL लिमिटेड की प्रॉपर्टी को खुली नीलामी पर लगाया है, लेकिन सिर्फ गाड़ियों की नीलामी के अलावा आज तक आपको निवेशकों के हित के लिए सकारात्मक प्रयास नहीं किया है, और ना ही पर्याप्त फंड इकट्ठा कर पाए हैं, बल्कि PSL के फंड में से कमेटी के खर्चे ही निकाले जाए गए हैं। उसके बाद आपने दोबारा पूरी प्रॉपर्टी को सेल के लिए प्रपोजल मांगे, और प्रपोजल की कीमत बढ़ते बढ़ते 49,100 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें कि PSL का भी 3 प्रपोजल आया, जो कि आखिरी प्रपोजल PSL की तरफ से 28,500 करोड़ रुपए था। यानी कि PSL ने इस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लिया, और आपने ये रिपोर्ट फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी, और तीसरी बार आपने नीलामी प्रक्रिया आरम्भ की और शर्त रखी कि खरीदार को कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। सिर्फ 12 कंपनीज ही इस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले पाई, लेकिन आपने 2 कंपनीज की वकालत की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2020 के आदेश में आपको फिर से प्रॉपर्टी बेचने हेतु दायरा बढ़ाने के लिए कुछ शर्तों के साथ प्रॉपर्टीज को बेचने का आदेश दिए हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि PSL इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकती है, बल्कि आपने 6 फरवरी 2020 में पब्लिक नोटिस में PSL और उससे जुड़ी किसी भी कंपनी या व्यक्ति को इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक लगा दी है। इस तरीके से हमें लगता है कि आप या तो गलत थे जब PSL कंपनी ने प्रपोजल दिए थे और प्रॉपर्टी के रेट बढ़े थे, या फिर आप आज गलत हो
उस कंपनी को नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक रहे हो जिसकी निवेशकों के पैसे की देनदारी बनती है। इन सभी बातों से लगता है कि आप पीएसएल को उसकी देनदारी से मुक्त कर देना चाहते हो। हमें लगता है कि आप हमारे हित में सेबी के साथ सुरक्षित नहीं है। अब हमें लगता है कि हमारा हित सेबी के साथ सुरक्षित नहीं है, अतः आप हमें ये विश्वास दिलाए कि आप हमें आखिरी ग्राहक तक पैसा लौटाओगे या फिर वे कंपनी या वे व्यक्ति इस नीलामी में प्रक्रिया को सफल बोले जाता बनता है वो विश्वास दिलाए कि आखिरी ग्राहक तक पैसा ब्याज सहित मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये भी घोषित किया जाए कि ग्राहकों को पैसा कितनी समय अवधि में भुगतान कर दिया जाएगा। कृपया स्मरण रखिएगा और यथाहित कार्रवाई कर हमें सूचित कीजिएगा ताकि निवेशकों का इंतजार खत्म होकर उन्हें भुगतान प्राप्त हो सके। आशा ही यही मनसा सेबी की भी होगी। अतः अगर आप ये विश्वास नहीं दिला सकते हैं तो आगामी माह मार्च में हम सभी ग्राहक और ग्राहक एसोसिएशन मिलकर सेबी मुख्यालय मुंबई समेत पूरे भारतवर्ष में सेबी कार्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सेबी की होगी। और दोस्तों इस बार जो ये मेमोरेंडम दिया गया है ये चार संगठनों ने मिलकर दिया गया है जिसमें दोस्तों इंसाफ की आवाज़ मध्य प्रदेश से शामिल है, ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश से शामिल है इसमें, नव चेतना मानव कल्याण समिति मध्य प्रदेश से ये भी शामिल है और भारतीय लोक सेवा दल भी इसमें शामिल है। तो चार संगठनों ने मिलकर एक बार फिर से इसको सेबी को मेमोरेंडम दिया है और देखते हैं दोस्तों इसका क्या असर सेबी पर होता है और क्या सेबी इस पर एक्शन लेती है। हम आपको जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा भी सेबी के कई दफ्तरों पर ये वार्निंग मेमोरेंडम दिया गया है। स्क्रीन पर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैंने आपको लिखित में ये मेमोरेंडम पूरा पढ़कर बता दिया है। अगर आपको इसे पढ़ना है खुद से तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं पीएसएल की बैड न्यूज़ के बारे में। दोस्तों बैड न्यूज़ भी देना ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको हर तरह की अपडेट मिलनी चाहिए। दोस्तों कल की डेट में हमारे पीएसएल के दो एजेंट साथी हमारे बीच इस दुनिया में अब नहीं रहे। दोस्तों लगातार उनको कस्टमर द्वारा निवेशकों द्वारा परेशान किया जा रहा था अपने पैसे की वापसी के लिए और जिस तरह से सभी पैसा दे रही हैं तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये पैसा अब कभी मिल नहीं पाएगा, तो उन्होंने इस कदम को उठाया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप पर कितना भी ज़्यादा प्रेशर हो जाए, आप चाहे आपके साथ कैसी भी घटना घट जाए, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा कदम कभी नहीं उठाना है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि आत्महत्या से कोई भी समस्या का हल नहीं होता है। आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके पीछे आपके परिवार वालों का क्या होगा, आपके बीवी बच्चों का क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा, ये आप जरा सोच के देखिए। क्योंकि दोस्तों निवेशक जो पैसा मांगता है वो तो पैसा मांगता ही रहेगा, और अगर आप रहेंगे तो भी वो मांगेगा और नहीं रहेंगे तो वो आपकी फैमिली से मांगेगा, लेकिन वो पैसा तो छोड़ेगा नहीं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा संयम रखना है और उसे किसी भी तरह से समझाना है। अगर फिर भी ना माने तो मैंने दोस्तों इसका तरीका भी आपको बताया है कि आप एक कंप्लेन जाकर के दे सकते हैं कि ये निवेशक है जो मुझे परेशान कर रहा है, हालांकि पैसा तो सेबी को देना है, सेबी जब पैसा देगी तब इनको पैसा इनके सीधे ही अकाउंट में आएगा, मैंने इनका ऑनलाइन आवेदन भी करवा दिया है, अब पैसा तो सेबी को देना है और ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तो कुछ दोस्तों आपको मैंने मैटर पिछले वीडियो में पूरा बता दिया है, आप जाकर के लिखित में ये लिखवाइए और जाकर के आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दीजिए ताकि आपको आपकी जान को कोई खतरा ना हो, आपको कोई परेशान ना करे। तो अगर मेरी इस बात को आप सहमत है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों ऐसी घटना और किसी के साथ में ना घटे। और मैं दोस्तों उन परिवार वालों से मैं दुआ करूँगा भगवान से कि उनको ज़िंदगी भर कोई भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना आए, और जो भी निवेशक उनमें से जो भी पैसा मांगता है तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी आगे मत कीजिएगा, कोई भी कदम ऐसा मत उठाइए। क्योंकि दोस्तों आपका अगर आवेदन हुआ है तो पैसा आपको सेबी आज नहीं तो कल दे ही देगी, लेकिन दोस्तों एक परिवार का जो मुखिया
जो कमाने वाला आदमी था वो इस दुनिया में नहीं रहा है, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों उसकी फैमिली के साथ क्या क्या बीत रही होगी। और आज हम आंसू बहाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो इंसान जो अपनी फैमिली का एक लौता कमाने वाला कोई चला जाए तो फिर उस फैमिली के साथ क्या हो सकता है।